सर आवाज आ रही सर आपको? चलो यहाँ आई आवाज। सर सबसे पहले तो मैं आपको, आपके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, आपकी पूरी प्रशासनिक टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विपदा में जो राजस्थान की जनता को संभाला है उससे हम सबका हौसला बढ़ा है। निवेदन सर आपको ये करना है कि कोरोना का जब पॉजिटिव केस पहला आता है तो कर्फ्यू इम्पोज करके 3 किलोमीटर के एरिया को सील कर देते हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। बड़े शहर में तो जिस तरीके से किया होगा, अब जैसे सिरोही में 3 जगह एक एक अलग अलग जगह पे पॉजिटिव केस आए, उसके चारों तरफ का 3-3 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया, जो जिला स्तर पर विचार करके तय करना चाहिए कि भी कितना एरिया सील करना है और कितने एरिया में कर्फ्यू लगाना है। आपके पास इतना मैन पावर भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े एरिया को आप उस रूप में कंट्रोल कर सके। दूसरा सर, ये जो प्रवासियों वाली समस्या पैदा हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, 3 मई को भारत सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला ने जो अपने पहले के 29 अप्रैल और 1 मई के आदेश को क्लेरिफाई करते हुए ऑर्डर जारी किया, उससे सारी समस्या पैदा हुई है। हमारे SDO परमिशन देके भेज रहे थे, लोग गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी लेके आ रहे थे, लेकिन 3 मई के उनके इस आदेश के बाद में कि सिर्फ जो रास्ते में लोग हैं उन्हीं को आने देना है, उसके अलावा किसी को आने की अनुमति नहीं देनी है, उससे सारी समस्या पैदा हुई। और SDO ने हमें वो चिट्ठी भेज करके ये कह दिया कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर है, हम आगे कोई अनुमति नहीं दे सकते, हम अलाउ नहीं कर सकते। तो इसको क्लियरिफाई करें, SDO जैसे निजी साधन से आने की पहले अनुमति दे रहे थे, चाहे वो बस हो, चार पहिया वाहन हो, वैसी अनुमति जारी रखे तो सारी समस्या का समाधान पूरी तरह से हो जाएगा। तीसरा सर, जो आपकी जब भी प्रधानमंत्री जी से सर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या इस संबंध में चर्चा हो लॉकडाउन को लेकर के, तो रेड जोन के अलावा 17 मई के बाद में सर लॉकडाउन खत्म करता है, ये आपसे विनती है। और अनुग्रह सहायता का सर मैं आपसे निवेदन करूं, 2500 रुपये जो देते हैं बहुत लोगों को मिली है, हमने सारी लिस्ट डाउनलोड की, आधार कार्ड से चेक करवाया, SDO BDO नगर पालिका माध्यम से कलेक्टर के जरिए सर्वे करवाया, खाली शिवगंज ब्लॉक में ही 400 फैमिली ऐसी निकली है BPL और अंत्योदय से रिलेटेड, जिनको अभी तक कोई 1 रुपया भी नहीं मिला है। ऐसे पूरे जिले में 3-4 हजार परिवार खाली मेरे जिले में होंगे, तो पूरे राजस्थान में भी इस तरह के होंगे। तो आपसे मेरी विनती है कि वो लिस्ट को सभी जिला कलेक्टर डाउनलोड करके उसको रीचेक करें, जिससे जिन लोगों को वंचित हुए हैं आपके प्रयास करने के बाद भी उनको मिल सके। इसके अलावा सर, जो NFS में तो गेहूं मिल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग, गरीब परिवार अब भी हैं जिनको वो गेहूं नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उस सूची में उनका नाम नहीं है। तो मेरी आपसे विनती है अभी कि अभी ये कठिन समय है, भारत सरकार से आग्रह करें, आप भी निर्णय लें कि जो भी राशन कार्ड धारक गेहूं प्राप्त करना चाहता है उसको गेहूं अलाउ किया जाए, नॉन इनकम टैक्स पे जो भी लेना चाहता है उसको अलाउ किया जाए। इसके अलावा सर, मनरेगा में बहुत अभूतपूर्व काम हो रहा है, लेकिन एक ही काम पर संख्या ज्यादा होने से हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो एक तो जो 1 बजे का टाइम है उसको घटा करके या तो 11:30 बजे कर दें, जिससे लंच लोग अपने घर पे जाके कर सके और वहां पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सके। दूसरा, एक ही काम पर 200-250 लोग लग रहे हैं, तो हर ग्राम पंचायत में काम की संख्या 10 से 15 होनी चाहिए, जिससे किसी भी काम पर 50 से ज्यादा लोग नहीं हो और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर सके। इसके अलावा सर, MLA-led और MP-led में भी, MP-led तो खैर खत्म ही कर दिया प्रधानमंत्री ने, MLA-led में सर पहले जो खाद्य सामग्री के किट आपने अलाउ किए थे, अभी आपने पूरी तरीके से मेडिकल को समर्पित किया है, तो अभी कुछ समय, कुछ महीनों के लिए अगर आप खाद्य सामग्री के किट उसमें अलाउ रखेंगे तो नीचे लोगों को, जो आपका लक्ष्य है कि भी हर व्यक्ति को पेट भर सके, उसकी इम्यूनिटी ठीक रख सके, तो हम उसमें सहयोग कर पाएंगे। और जैसा सर आज आपने सारे MLA को सुना है, तो मेरा एक सजेशन है कि अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो जून के किसी हफ्ता में आप विधानसभा का सत्र बुलाएं, जिससे पूरे तरीके से इसमें चर्चा की जा सके और सबके सुझावों से जो सरकार लाभान्वित हो सके। एक बार पुनः आपके सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अच्छा है, वेरी गुड।